अंदर पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम जिसको कहा गया है वो एक फ्रेमवर्क है मेरे जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है अभी, और उसमें ये एक फ्रेमवर्क ऐसा है और जो 18th अमेंडमेंट के बाद डेवोल्यूशन है उसके अंदर जो आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन प्रोविंशियल इंटीग्रेशन की, तो बहुत काम हुआ 3.5 साल में। ये जो फ्रेमवर्क स्टेम हुआ है इसमें जो प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्ट्रेट्स हैं उन्होंने बहुत काम किया, और फेडरल लेवल के ऊपर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके अंदर फेडरल डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन के अंदर इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बारे में एक पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है और इस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मैं फेडरल से शुरू करूँगी एंड देन आई विल कम टू द प्रोविंसेस ऑल्सो। तो उसमें जब तक ये तमाम चीज़ें, ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, ये गाइडलाइन है, ये ना पॉलिसी है और ना लेजिस्लेशन है। फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग एट इट, इट्स अ गाइडलाइन दैट नीड्स टू बी पुट इन प्लेस इन द इंस्टीट्यूशंस दैट कंसर्न्ड, दैट यू नो आर कंसर्न्ड विद ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स दैट नीड टू बी और इंटरवेंशंस दैट नीड टू बी एम्बेडेड इन टू द सिस्टम। उसमें फेडरल डायरेक्ट्रेट उसको इस्लामाबाद के लेवल के ऊपर हम इसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर जो आपने यहाँ नाम लिया एजुकेशन मैनेजर्स का, आई थिंक तो उसमें एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट दिया गया है जो मॉनिटर करते हैं स्कूल्स को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर, और उसी के अंदर ऐसे लोगों को एम्बेड किया गया है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर टीचर की परफॉर्मेंस को, और वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे है, डिजिटल है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जो इस वक्त इस्लामाबाद के स्कूल जो 22 स्कूल जिनको स्टार्ट किया गया था उसमें तो है ही, लेकिन फेडरल डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन के लेवल के ऊपर इसको कम्प्लीटली एम्बेड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो 422 स्कूल हैं इस्लामाबाद के उनकी सिक्योरिटी का के लिए जो एक डिपार्टमेंट है जिसको डेडिकेट किया गया है, उनके जो अभी हायरिंग प्रोसेस में हैं उनके जो हेड हैं वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड, जो जिनका एक्सपीरियंस ऐसा हो जिनको पता चले, और फिर वो डिवॉल्व होगा टू द स्कूल लेवल। उसमें बहुत अच्छी बात की स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ की, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव की यहाँ बात हुई, तो उसमें कम्युनिटी बेस्ड हर स्कूल के अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है बाय लॉ, उसको इसके अंदर इस पूरे डायलॉग के अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि ना ये प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है ना ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हों वो सिक्योर इन्वायरमेंट हो, और इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो जो रोल प्ले कर रही है वो एक फैसिलिटेशन का और जो कि फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसको डिस्कस किया गया अभी यहाँ के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर लेवल एजुकेशन रिफॉर्म के लेवल के ऊपर तो एक डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर फंड में से फंडिंग इसके लिए एलोकेट की गई है पूरे रिफॉर्म के लिए, और जिसकी अभी फर्स्ट फेज की डिस्पर्समेंट हो चुकी है और काम हो रहा है, और वो इन तमाम लाइन्स के ऊपर है जो सब हमने यहाँ डिस्कस किया। उसके बाद जो प्रोविंशियल इंटीग्रेशन है, पंजाब प्रोविंस ने बहुत ज़्यादा जो IT बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू की हुई है इन स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ टीचर अटेंडेंस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल्स एंड ऑल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल्स, तो वो मॉडल भी वहाँ मौजूद है। यहाँ 422 स्कूल्स हैं लेकिन पंजाब में 55,000 स्कूल्स हैं, सो द साइज ऑल्सो चेंजेस, द इंडिजिनस रियालिटीज ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस इज वेल। तो एक फ्रेमवर्क टू फिट ऑल शुड जस्ट गिव अ पॉलिसी गाइडलाइन, और उसके बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए एट डिफरेंट टीयर्स, और इसमें भी कम्प्लीट इंटीग्रेशन होनी चाहिए ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, और उसी मॉडल को रेप्लीकेट किया जा सकता है इन प्रोविंसेस इज वेल। इसमें इस्लामाबाद में CDA इन्वॉल्व है बिकॉज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो CDA PWD, इसके साथ साथ करिकुलम जो है वो डिवॉल्व हो चुका है और मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन उसको दोबारा से एक नेशनल करिकुलम कमेटी के जरिए बिलीगुर रहमान साहब की अंडर कर रही है, और इसी तरह CAD लेवल के ऊपर जो स्कूल्स एक अलग मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, सो देर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड मिनिस्ट्रीज ऑल्सो जो कि इकट्ठा काम कर, कोऑर्डिनेशन की बात की आपने, कोऑर्डिनेशन के बगैर जितने फ्रेमवर्क्स बन जाएं, जितनी चीज़ें हो जाएं, जब तक इन चीज़ों को इकट्ठा एक फोरम पे कन्वर्ज नहीं किया जाएगा, और वही मॉडल है जो वफाक में इस वक्त फॉलो हो रहा है, और वो पंजाब में KPK में सिंध में और बलूचिस्तान में उसकी ऑलरेडी बात शुरू हो गई है और वो रेप्लीकेट होगा। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि प्राइवेट स्कूल्स
जिनकी तादाद यहाँ मौजूद है और रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं, इसमें जिन जिन मुल्कों ने सिक्योरिटी के ऊपर और डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर, ये रिपोर्ट्स भी बताती हैं, रिसर्च भी बताती है, एक हिस्ट्री भी बताती है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ द वे वेयर नेशंस हैव सक्सीडेड इन टू सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इम्प्रूवमेंट. एंड वी हैव अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ projects that we have implemented, जिसमें इस वक्त sustainable development goals, जिसमें हम सब as a country, तमाम provinces ने और country ने commit किया है internationally कि हम ये तमाम चीज़ें in place करेंगे. So that is another framework that we have. Vision 2025 जो एक document है कि हमने कहाँ जाना है 25 में, उसमें भी इन तमाम pillars को address किया गया है. तो इस वक्त जो डिस्कोर्स है और डायलॉग है वो जनरेट हो चुका है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई है. इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स हैं, आई थिंक दैट द बेस्ट थिंग इज टू इंटीग्रेट देम, इनकल्केट देम एज मैडम वाज सेइंग हियर, इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. जब तक इम्बेड नहीं होंगे, वन ऑफ एक्टिविटीज ट्रेनिंग भी हो जाएगी, वन ऑफ वर्कशॉप भी हो जाएगी, सेमिनार भी हो जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सस्टेनेबिलिटी के परस्पेक्टिव में देखने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है. और यही इस वक्त जो वज़ीर आज़म का एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम है कि तमाम चीज़ें पहले होती थी वन ऑफ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए, इंटरनेशनल पार्टनर्स के जरिए वो हो जाती थी, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी के जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू लुक इनटू, और जो इस वक्त इस सतह के ऊपर हो रहा है. इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बहुत ज़रूरत है. इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-मुमलिकत बराए इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही हैं.